और कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर बादल हैं और नीचे है घना अंधेरा। कोई नहीं, देखो रोड पर क्या है, सफ़ेद सफ़ेद। गहरी सांस लेते हैं और जंगल की खुशबू और इसकी हवा का मज़ा लेते हैं। तब झींगुरों की आवाज़ ज़्यादा आती है क्योंकि सबको पता है कि शाम होते ही वाइल्ड लाइफ एक्टिव होती है। आपको भी पता है जो डेंजर वाली चीज़ है जिसके लिए हम मना कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। बस ये क्या है, पेड़ गिरे हुए हैं। बाकी ये वही जंगल है जो हमने आपको दिन में दिखाया था। और यहाँ जो बारिश की बूंदें पत्तों पर टकरा रही थी और जो उनकी आवाज़ मधुर मधुर सी आ रही थी, उसके तो क्या ही कहने। यहीं कहीं ऊपर पेड़ों पर हो सकता है किसी एनिमल की बॉडी हो जो सड़ रही होगी। वाइल्ड लाइफ मिली लेकिन गलत स्थिति में मिली। वो आगे पार्क है, ब्रेक लगे आगे तो। अलग अलग टाइप्स के झींगर हैं, देखते हुए चलना है कि ग्रे कलर का होता है हाथी, तो थोड़ा डार्क रहता है जो कि देख पाना मुश्किल हो जाता है। प्योर ऑक्सीजन जिसको लेनी तो जंगल घूम ले। इस तरीके का जंगल होता है ना बिल्कुल शांत, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो आवाज़ किस चीज़ की? अच्छा, टायरों की आवाज़ है, मडर गया। मिट्टी की आवाज़ आ रही है। अरे फिर से आ गया। ये देखो लकड़ी कैसी मुड़ी हुई है, ऐसा लगा सांप है। वाइपर वाला। लोगों का कहना है कि जंगल और जंगल के रास्ते दिन में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जंगल जितना दिन में खूबसूरत है उतना ही रात में भी। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो जब भी समय मिलता है तो मैं निकल पड़ता हूं अपने कैमरे के साथ वीडियो बनाने जंगल के रास्तों पर, जंगल की खूबसूरती के बीच। और जब भी कोई वाइल्ड लाइफ रास्ते में मिलती है तो उसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं हम अपनी नाइट ड्राइव में, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई है लेकिन बादल रहा और साथ ही अभी भी बादल है, तो कभी भी बारिश हो सकती है या नहीं। फिलहाल आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में जो कि है नाइट ड्राइव इन जंगल। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिलहाल वापस आते हैं हम अपनी जंगल पर जो कि है कुछ ऐसा। और लेट भी हो गया ना। और मैं आपको बताता चलूं कि आज हो गई है लेट, करीबन बज रहा है अभी 8:15। आजकल आपको पता है कि अंधेरा थोड़ा 10-15 मिनट पहले हो जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, देखो रोड पर क्या है, सफ़ेद सफ़ेद लेफ्ट हैंड साइड। ओके, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़ा है। तो हमें भी थोड़ा अजीब सा, मतलब अंदर से फील हो रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा था घर में बैठे बैठे। बारिश इतना बोर कर देती है कभी कभी, ऐसा नहीं है,
लेकिन लगातार तो फिर लगातार होती है। खैर गहरी सांस लेते हैं और जंगल की खुशबू और इसकी हवा का मज़ा लेते हैं। बाकी रास्ता और जंगल आपके सामने पेश है। और आज कुछ घना सा लग रहा है ना जंगल, और शांत, चींगरों की आवाज़ भी कम है। एक रीज़न देखिए वो भी हो सकता है कि एक होती है बिल्कुल जैसे शाम में हम स्टार्ट करते हैं तब झींगरों की आवाज़ ज़्यादा आती है, क्योंकि सबको पता है कि शाम होते ही वाइल्ड लाइफ एक्टिव होती है, तो ये रीज़न हो सकता है। और मैं अभी की बात करूं तो अभी है सन्नाटा जंगल में, बिल्कुल तो वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी। वीडियो को पूरा देखें और अपना प्यार दें। और यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना साथ बनाए रखेंगे और हमें देखते रहेंगे, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश रखी है जारी आप लोगों के लिए। ऐसी फीलिंग से आ रही है आज, पता नहीं खतरनाक ही मिलने वाला है। बस ज़्यादा ख़तरनाक ना मिले, लेकिन मिल जाए तो अच्छा है। आपको भी पता है जो डेंजर वाली चीज़ है जिसके लिए हम मना कर रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। बस मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा फिलहाल। और ऐसी जगह तुमने नाम लिया जहाँ लेपर्ड की टेरिटरी है। रियली नाइस, तो बता दिए। हाँ भैया, बाकी शुरुआत हो चुकी है बैंडों की। मुझे तो बस एक चीज़ बढ़िया लगी कि हमारे जो एक सब्सक्राइबर थे जो कि आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं, शायद वो वीडियो देखते हों या ना हो कुछ पता नहीं, जिनका नाम था मिस्टर कुणाल सिंह, नाम याद रहेगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आपने मुझे को ये राय दी कि मैनुअल में वीडियो बनाएं, मतलब ऑटो फोकस बंद कर लें, कि उसमें बहुत दिक्कत होती थी, अगर कोई वाइल्ड लाइफ भी आ जाती थी तो वो ब्लर हो जाती थी। अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा आपके सामने और कैमरे में। ये क्या है, पेड़ गिरे हुए हैं, तो हो सकता है लैंडस्लाइड हुआ हो, क्योंकि पत्ते झड़े होते तब मैं मानता कि हाँ हाथी आया होगा यहाँ खाने उसे, है ना। बाकी ये वही जंगल है जो हमने आपको दिन में दिखाया था और आप लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन नाइट ड्राइव से ज़्यादा दूर रख नहीं सकते आप लोगों को। तो ये बैंड अभी तो रात में कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन हमने दिन में जंगल दिखाया था। और यहाँ जो बारिश की बूंदें पत्तों पर टकरा रही थी और जो उनकी आवाज़ मधुर मधुर सी आ रही थी, उसके तो क्या ही कहने। फिलहाल बारिश का नाम नहीं लेता हूँ वरना व्लॉग अधूरा रह जाएगा। और देखिए एक दिन बारिश नहीं हुई तो मिट्टी अभी भी नम है, लेकिन जो लैंडस्लाइड में अलग अलग हुआ है क्या, वो वाला तो दूसरा था, यही था वो यही वाला तो ये था, मतलब पीछे एक और हुआ। अच्छा हाँ, ये वाला तो ये है जो ज़्यादा वाला था जिसमें जेसीबी चली थी, वो ये है, डबल हुआ था ये। और स्मेल भी आ रही है ना, एक और दो, हाँ दो हुए थे ये है। गंदी स्मेल, गंदी स्मेल का मतलब और भी है। ये है वो सबसे बड़ा वाला, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो वही है ना, रात में आ नहीं पाए काफ़ी दिनों से तो दिखा भी नहीं पाया, वो दिन में दिखाया था ये वाला तो फिलहाल। और स्मेल देखो ना कितनी दूर तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है स्मेल का मतलब, यहीं कहीं ऊपर पेड़ों पर हो सकता है किसी एनिमल की बॉडी हो जो सड़ रही होगी, जिसे हो सकता है तेंदुआ, हो सकता है कि तेंदुआ ही चढ़ सकता है पेड़ों पर पर्टिकुलर शिकार को लेकर अच्छे से।
सामने घना जंगल आंखों से दिख रहा है, कैमरे में नहीं। तो हम हैं अभी पवलगढ़ से, ये क्या है, अरे सांप है, रहने दे, उल्टा पड़ा है दोस्तों, ये सांप मरा हुआ है, अब पता नहीं कौन सा सांप है, ये उल्टा पड़ा हुआ था, वाइट कलर दिख रहा है इसका पूरा, तो मैं मरी हुई चीज़ थोड़ी दिखाऊंगा। कोई नहीं, हम अभी बस जस्ट पवलगढ़ के कस्बे से बाहर आए हैं, देख रहे हैं आप ये बोर्ड। तो वाइल्ड लाइफ मिली लेकिन गलत स्थिति में मिली, और अब तो ये सीधा रोड है, जो दिखेगा सामने तक दिखेगा, लेकिन अब बड़ा काले ढूंगी के जंगल में थोड़ा दिक्कत भरा हो जाता है सीन। एक तो यहाँ पर है क्या दिक्कत कि ये घना है, देख रहे हो हरियाली हरियाली साइड में दोनों हाथ, इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और दूसरा काले ढूंगी में क्या है, वो है थोड़ा डार्क टाइप का, जंगल है शांत। इसमें एक चीज़ मज़ा आता है मेरे को, पता है सीधी रोड है, बिल्कुल सीधा हाथ रख के कैमरा पकड़े रहो, हाथ भी नहीं हिलता, साफ सुथरा रोड है। वो आगे कार की रुकी है, ब्रेक लगे आगे कोई कार, चलिए चलिए बैंड होगा। डार्क जंगल, आसमान में है बादल और थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है झींगरों की, अलग अलग टाइप्स के झींगर हैं। बाकी हम अपना देखते हुए चलेंगे एकदम चौकन्ने होकर, क्योंकि आज बारिश नहीं हुई है तो नीचे साइड उमस रही होगी, मतलब नीचे साइड मतलब इस जंगल में, जी हाँ। सो देखते हुए चलना है कि ग्रे कलर का होता है हाथी, वो तो थोड़ा डार्क रहता है जो कि देख पाना मुश्किल हो जाता है। मजा आ रहा है, झींगरों की आवाजें, सुनसान सड़क, सीधे हाथ पर बहती नहर, उसके पानी की आवाज, और ये बरसात में जो मिट्टी की खुशबू होती है वो, मजा आ गया। मतलब ऐसा ना प्योर ऑक्सीजन जिसको लेनी तो जंगल घूम ले, पेड़ हैं टेढ़े झुके हुए हैं, झुके हुए मतलब पत्ते हो सकता है खाने की कोशिश करी हो एलिफेंट ने, सेकंड में आवाज़ चेंज हो रही है, जिंगल कोई तेज़ बोल रहा, कोई हल्के, किसी की आवाज़ डिफरेंस है, कोई अलग टाइप का कीड़ा बोल रहा, मज़ा आ रहा है। अलग अलग जब कीड़े, इस तरीके का जंगल होता है ना बिल्कुल शांत, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। हाँ, तब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ दिखने के, बस ऐसी देखे जिसे हम देख सकें, ऐसे नहीं कि जिसे देख के भागें। फिलहाल हम एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, सांपों के जंगल में हो चुकी है एंट्री, लेकिन सांप तो हमें मिला लेकिन अलग कंडीशन में मिला था पीछे, तो देखते हैं, उमस रही है
तो सांप की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि वहाँ निकला तो यहाँ यहाँ भी निकलेगा। डिपेंड करता है कि हम उस पॉइंट पे होना है। बस टाइम, प्लेस और पर्सन। आवाज़ किस चीज़ की? अच्छा, टायरों की आवाज़ है, मैं डर गया, मिट्टी की आवाज़ आ रही है। अरे फिर से आ गया जो जिससे पिछली बार जो आपने लास्ट टाइम पावलगढ़ का जंगल का ब्लॉग देखा था, उसमें भी आपको मलबा दिखाया था, लेकिन उसके बाद दिन में देखा होगा आपने, मलबा साफ़ हो चुका था, लेकिन ये फिर से आ गया है। अभी आपने 3-4 दिन पहले ही देखा होगा, उसमें मलबा साफ़ था, है ना, रोड साफ थी। अब ये फिर से मलबा जंगल का आ गया, इसका मतलब बारिश बहुत तेज़ हुई यहाँ होती है, जो कि ये देखो पत्ते गिरे हुए हैं। मतलब दो रीज़न होते हैं, मैं हर बार एलिफेंट से नहीं जोड़ूंगा, बंदर भी तोड़ देते हैं। ये देखो लकड़ी कैसी मुड़ी हुई है, ऐसा लगा सांप है, वाइपर वाला। एक सांप और मरा हुआ है। चल 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 दोस्तों, दो सांप मरे हुए मिले लेकिन जिंदा नहीं। रीज़न, कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार से निकल कर गई होगी। तो मैंने, हाँ मैंने कहा था सांप अगर वहाँ दिखाया तो गर्मी तो यहाँ भी रही होगी, उमस होती है जंगल में। तो एक सांप और मरा हुआ था, दुख होता है जब ऐसी कंडीशन में दिखता है। हाँ, तो मैं वो चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट करना अच्छा नहीं समझता, इसलिए आगे बढ़ने में ही भलाई है। मलबा यहाँ भी है, इसका मतलब देखो यहाँ झींगुरों की आवाज़, गौर से सुनिएगा। वो क्या अच्छा, वही पेड़ है। हाँ, ये दिक्कत देगा ना कोई नए पर्सन के लिए, इसे तो हम रोज़ देख रहे हैं आते जाते, यही छोड़ दिया इसे। ओफो, ये मकड़ी के जाले रोड पर ही बना देती हैं, और बहुत बहुत जहरीली भी मकड़ी हो सकती है, बीच रोड में जाले बनाती है ना वो, पूरे मुंह में लग गया जाला। कितना शांत लग रहा है ना? ये आ गया है, इंडियन हेयर की टेरिटरी है ये। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नाइट ड्राइव में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, टाटा बाय, थैंक यू, गुड नाइट।